It's an appeal of 2004 still to be heard on admission. And it's a decision. Appellant. But on the last date they had appeared and that informed that the appellant has expired. So they sought time to file application for substitution. They have not filed. They have not yet filed. It's a possession decree stayed since 2004 and yet to be heard on admission. On sole appellant. Sole appellant. On last date, yani 11-11. जी. Guys, let us counsel. सवाल जो आता है देखिए कितना गलत है कि उन्होंने कहा 11-11 को वो एक्सपायर हो गया है नहीं 11-11 को ये इन्फॉर्म किया लोग 11-11 को कहा कि वो एक्सपायर हो गया है जी इसमें डेट नहीं लिखी कब एक्सपायर हो गया वो उस दिन अवेलेबल नहीं थी डेट नहीं नहीं अरे ऐसे कैसे आप ये स्टेटमेंट देकर कोई ये कैसे दे सकता है उनको देना चाहिए ना ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लेना चाहिए कोर्ट को ना उनको ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए जी मैं लिमिटेशन कहां से शुरू करूं मैं अभी आपसे मैं अभी इस केस को छोड़ दीजिए मैं आपको एज एन एडवोकेट अवेज करेगा लिमिटेशन ड्यूटी बन गई इसमें मुझे 11-11 से 3 महीने वेट करूं This statement should not be given by any counsel. कि वो फला आदमी एक्सपायर हो गया कल को बोल देंगे तो दूसरे वकील आ गए साहब उन्होंने गलत बता दिया ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो है बोगस है इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कोई व्यक्ति साहब एक्सपायर हो गया अरे आपका अपीलांट है आप उसके वकील हो आपको बिना इन्फॉर्मेशन के बताना चाहिए एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए साहब जो है किस महीने में एक्सपायर हो गया डेट नहीं आ रही साहब टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर द फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर इंप्लीमेंट हमें सिस्टम समझ में नहीं आता सिस्टम तो डेथ का ये है कि उसकी डेट ऑफ डेथ होती है बर्थ का जो है डेट ऑफ बर्थ होती है तभी तो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं मान लो किसी का ये बोल दो जाए वो सन 1995 में जो है पैदा हुआ तो क्या साल भर बर्थडे मनाते रहोगे पुण्यतिथि कैसे मनाते हैं उसके लिए श्राद्ध पक्ष रखा हुआ है स्पेशल 15 दिन का पीरियड जिसका पता नहीं हो 15 दिन में श्राद्ध कर दो लेकिन यहाँ तो पता होगा अभी फिर अपील का क्या करें श्राद्ध करें या नहीं करें अभी सर वो स्टे का जरूर कर दें सर वो 2004 से चल रहा है तो स्टे तो अलग से मिला है इवन आफ्टर डेथ 2004 से मिला अरे अभी इसमें लिखा है ये तो मेरी एप्लीकेशन पे मुझे मिला है ये आपको मिला है क्योंकि वो बेच दे रहे थे बेच दिया पार्ट उन्होंने तो इसलिए फिर कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया जो आदमी मरा गया जो आदमी मर गया पहले बेच दिया उसके पहले नहीं इसमें लिखा है इन द मीनवाइल पार्टी शैल मेंटेन स्टेटस क्वो और एक ही तरफ स्टेटमेंट लिखा जा रहा है कि अपीलांट हैज डाइड सोल अपीलांट हैज डाइड और एक तरफ लिखा जा रहा है कि जो है पार्टी शैल मेंटेन स्टेटस को तो क्या ऊपर जाकर स्टेटस को मेंटेन करेंगे क्या करें वेट कर लें कौन आए थे लास्ट डेट पर वो एपी सिंह साहब के जूनियर थे लास्ट डेट में आज ट्राई कर लीजिए नहीं तो एकदम पर भी खारिज करते हैं मैं पूछ लेता हूं पंच बात ये